हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोली किचन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी, जो फ्रेंड्स बाहर से बहुत ही ज्यादा क्रिस्प और अंदर से एकदम जूसी सा सॉफ्ट सा चिकन बनकर तैयार हुआ है। अब फ्रेंड्स इफ्तार में बनाकर चिकन को खा सकते हैं। चलिए फ्रेंड टेस्टी से उमदा से चिकन पकौड़ों की रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन पकौड़ा बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। जब भी फ्रेंड्स आप चिकन के पकौड़े बनाए तो थाई के पीसेस इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। थाई के पीसेस से चेस्ट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो पहले फ्रेंड्स हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून लिया मैं दही, 1 टेबल स्पून लिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़े से फ्रेंड्स चिकन के पकौड़ों को स्पाइसी बनाने के लिए मैंने लिया है मसाले, 1 टेबल स्पून भर के लिया मैंने दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लिया दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून लिया मैंने चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने नमक, 1 टीस्पून लिया है जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है गर्म मसाले का पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी लिया मैंने हल्दी, 1 पिंच लिया है फ्रेंड्स मैंने ऑरेंज फूड कलर, इससे पकौड़ों का कलर बहुत ही प्यारा आता है। सारे मसाले ऐड कर देते हैं चिकन में। नमक मिर्च फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के कौन कम या ज्यादा कर सकते हो। थोड़ा सा लिया है मैंने पुदीने के पत्ते, थोड़े से लिए मैंने हरे धनिया के पत्ते, 1 छोटी सी प्याज लेकर मैंने बारीक बारीक काट लिया ये ऐड कर देते हैं, 2 हरी मिर्च लेके मैंने कूटनी है ये भी ऐड कर देते हैं। ये तीखी वाली हरी मिर्च थी तो मैंने कम इस्तेमाल किया है। सबको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। चिकन में फ्रेंड्स सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम और भी चीजें इसमें शामिल करेंगे। गर्मी हो तो फ्रेंड आप इसको फ्रिज में रखें। चिकन को फ्रेंड्स हमने मैरिनेट के लिए छोड़ दिया है, जब तक हम अपनी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। टेस्टी सी चटनी बनेगी ये और इस चिकन के साथ बहुत ही मजे की चटनी लगती है। तो चटनी बनाने के लिए लिया मैंने 1 मुट्ठी पुदीना, 2 से 3 लिया मैंने हरी मिर्च, ये तीखी वाली मिर्च है तो इसलिए मैंने कम लिया, 6 से 7 लिए लहसुन का लिया, 1/2 टीस्पून लिया काला नमक, 1/2 टीस्पून लिया व्हाइट नमक, 1 टीस्पून लिया भुना कुटा जीरा, 1 इंच फ्रेंड्स लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा। सारे मसाले फ्रेंड्स मिक्स में ऐड कर देते हैं चटनी पीसने के लिए। इसी के साथ ही फ्रेंड्स मैंने लिया बहुत सारा हरा धनिया। हरे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी आती है चटनी में, तो मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया है। हरे धनिया को पुदीने को बहुत ही अच्छे से वॉश करने पहले जब इस्तेमाल करें। 1/2 कप लिया मैंने दही, दही ऐड कर देते हैं। दही वाली चटनी चिकन पकौड़ों के साथ तो बहुत ही मस्त लगती है। सबको अच्छे से पीस लेते हैं ढक्कन लगाकर। चटनी पीसकर फ्रेंड्स मैंने तैयार कर लिया। चटनी को उठाकर साइड रख देते हैं। चिकन को भी रखो हुए फ्रेंड्स 1 घंटा हो चुका है। चिकन में बाइंडिंग के लिए फ्रेंड्स मैंने लिया 1 अंडा, अंडे की मैंने जर्दी निकाल लिया, सिर्फ सफेदी का इस्तेमाल किया ये ऐड कर देते हैं। 1 टेबल स्पून लिया मैंने कॉर्नफ्लोर, ये ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट ऐड कर लें। 2 टेबल स्पून लिया फ्रेंड्स मैंने बेसन, ये ऐड कर देते हैं। सबको फ्रेंड्स हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप अंडा नहीं खाते तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अंडा आप बिल्कुल स्किप कर दें। अंडे की जगह आप 2 टेबल स्पून पानी या 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप व्हाइट विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो दही को स्किप कर दें। अच्छे से सबको मिक्स कर लेते हैं। ये देखे फ्रेंड्स कॉर्नफ्लोर और बेसन को मैंने बहुत ही अच्छे से चिकन में मिक्स कर लिया है। अगर आपको बाइंडिंग कम लगे तो 1 टेबल स्पून बेसन या कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लें, लेकिन मेरी बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग आई है तो मुझे कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स हम चिकन के पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। चिकन पकौड़ा फ्राई करने के लिए फ्रेंड्स मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया है, हाई फ्लेम पे ऑयल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो रिफाइंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तेल हमारा फ्रेंड्स अच्छे से गर्म हो चुका है। चिकन के पीसेस ड्रॉप कर देते हैं, एक एक करके डाल दे। चिकन को टच ना करें नहीं तो कोटिंग उतर सकती है। 1 मिनट तक फ्रेंड्स हाई फ्लेम पर हमें चिकन को फ्राई करना है। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम से लो कर लें। लो फ्लेम पर चिकन को अच्छे से टेंडर होने तक फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स चिकन को फ्राई होते हुए, इनकी साइड चेंज कर देते हैं। ये जैसे चिकन जरा भी कढ़ाई में न चिपका है और ना ही कोटिंग उतरी है। 10 मिनट तक चिकन को फ्रेंड्स मैं अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। जब तक चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता, चिकन को फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई कर दिया है। चिकन अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। 10 मिनट हो चुका है मुझे चिकन को फ्राई करते हुए। अब हम चिकन को निकाल लेते हैं। ये देखे फ्रेंड्स चिकन पर कितने अच्छे से कलर आया है, कितना प्यारा चिकन लग रहा है देखने से ही। चिकन को निकाल कर साइड रख देते हैं। ऐसे ही दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अलग से पलटते हुए दूसरे बैच को ही फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मजेदार पकौड़े बनकर तैयार होता है।
ये देखिए फ्रेंड्स, सारे चिकन पकौड़े फ्राई करके मैंने तैयार कर लिए। थोड़ा सा इस पर चाट मसाला स्पन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। ये कर लेते हैं प्लेटिंग। बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही जूसी से चिकन पकौड़े बनके तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से चिकन टेंडर हुआ है। ये देखिए थोड़े से सैलेड के साथ, नींबू के साथ हमने जो चटनी बनाई है मजेदार, इसके साथ खा सकते हो। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा।